स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता। पार्ट 7। टॉपिक है बेहद का वैराग्य। आध्यात्मिकता का आधार है संपूर्ण वैराग्य वृत्ति अथवा बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य अर्थात संपूर्ण समर्पणमयता, संपूर्ण त्याग वृत्ति। शंकराचार्य आदि महान आत्माओं ने वैराग्य वृत्ति का बहुत गायन किया है। उन्होंने वैराग्य को अपने जीवन में लाने का प्रयास भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्हें वैराग्य की यथार्थ समझ व सत्य ज्ञान नहीं था। अतः उनकी न आत्मोन्नति हुई, न वे संसार से संपूर्ण अनासक्त बन भगवान के पास जा सके। हमें ज्ञान सागर ईश्वर पिता ने बेहद का वैराग्य, नष्टो मोह स्थिति, सर्वस्व त्यागी की अवस्था आदि विषय की अच्छी रीति समझ दी है और हमसे धारणा भी करा रहे हैं। बाप दादा ने हमारा अलौकिक जन्म होते ही हमें वरदान दिया है सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी भव। वह सिखाया है कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए ही गृहस्थ व्यवहार में रहना तो है ही, परंतु देह सहित वस्तु, व्यक्ति, वैभव सर्व का मन बुद्धि से संपूर्ण त्याग करना है। चूंकि यह सारी पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, सब विनाशी है, तो इनके साथ मोह रखने से क्या फायदा। आत्मा तो अकेली बाबा के साथ जाने वाली है, इसलिए यहाँ लगाव झुकाव से पूर्णतः मुक्त होना है। वह सूक्ष्म तैयारी के लिए आत्मोन्नति का पुरुषार्थ करना है। इससे ही हमारी अंत में नष्टो मोहा स्थिति हो जाएगी और विकट परिस्थिति हो व बुरी हालत हो, बाप दादा का इशारा मिलते ही सेकंड में हम इस शरीर का त्याग करके उनके साथ वापस घर जा सकेंगे। टॉपिक का नाम है बेहद के वैराग्य वृत्ति का अभ्यास कैसे बढ़ाए। बेहद के वैराग्य वृत्ति की धारणा हमारी अभी होगी तो तीव्र गति का पुरुषार्थ हम सहज कर सकेंगे और बाप दादा के साथ खुशी खुशी से घर वापस जाएंगे। इसके लिए बाप दादा ने सिखाया है हमें मन बुद्धि को सदा आत्मिक भाव व परमात्मा भान में लगाना चाहिए। संबंध संपर्क में न्यारा और प्यारापन तथा साथी और साक्षी स्थिति का अभ्यास ध्यान देकर अभी से बढ़ाना है। इससे ही उपराम अवस्था आएगी और पुरानी दुनियावी चीजों से आसक्ति कम हो जाएगी। इस संसार में मेहमान बनकर रहना है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। इसके साथ स्वदर्शन चक्र घुमाने से नई सतयुगी दुनिया की याद सदा रहेगी और पुरानी दुनिया की विस्मृति होने लगेगी। इसलिए शिव पिता ने समझाया है, बच्चे
अभी समय बहुत थोड़ा है, अतः बाप के साथ सदा घर को याद करो और वर्षे को याद करो। एक आँख में मुक्ति हो और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो तो इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आ जाएगा। सब टॉपिक है शुभ चिंतन। शिव पिता ने सिखाया है शुभ चिंतन, अर्थात विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सदा आत्मिक प्रेम का शुद्ध भाव, शुभ भाव। एक भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का व अवगुण, कमजोरी देखने का अशुद्ध भाव नहीं होना चाहिए। सर्व के प्रति शुभ चिंतन सदा करने वाले शुभ चिंतक मणि बनना है। आज सारे विश्व का वातावरण अति अशुद्ध, अपवित्र, तमोप्रधान बन गया है। इसलिए मनुष्य मात्र भयग्रस्त, परेशान, तंग हो गए हैं। इतनी बड़ी दुनिया का प्रदूषण का वातावरण खत्म कर सुख, शांति, पवित्रता की नई दुनिया स्थापन करने की जिम्मेदारी बाप दादा ने हमें दी है। वैसे बाप दादा ने पहले ही हमें बताया है कि मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ों में तपस्या करने वाले तुम तपस्वी मूर्त हो, सो सारे विश्व की आत्माओं के तुम पूर्वज हो। इसलिए अगर तुम्हारे संकल्प व चिंतन सर्व के प्रति शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली है तो विश्व के सभी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति की प्रकंपन सदा पहुंचती रहती है। इसलिए हमें ही शुभ चिंतन द्वारा सभी को सकाश देनी है। मनसा सेवा द्वारा उन्हें रहमदिल बनकर सहारा देना है। ब्राह्मण समाज में हमें एक दूसरे को स्नेह सहयोग भी देना है एवं तीव्र पुरुषार्थ करके स्व उन्नति करने के लिए व उन्हें मदद भी करनी है। यही शुभ चिंतन है। ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि थे। वे ज्ञान रत्नों से भरपूर थे, विश्व परिवर्तक तथा विश्व कल्याणकारी भी थे। इसलिए मनसा सेवा द्वारा यज्ञ की बहुत वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा बाबा निमित्त बने थे। अतः बाबा अव्यक्त होने के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में आत्माएं यज्ञ के अंदर आ गई है, वे सभी उनकी शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की ही रचना है। ब्रह्मा बाप समान बनकर हमें भी सारे विश्व के शुभ चिंतक मणि बनना है। वो मनसा सेवा द्वारा सर्व की बेहद की सेवा करनी है तथा सर्व को मैसेज देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ देखो, हम सभी का आत्मिक पिता परमात्मा हमें सुख, शांति, संपत्ति की दुनिया में ले चलने के लिए अभी इस धरा पर आया हुआ है। आओ तुम भी हमारे साथ उसका लाभ ले लो। इस तरह हमें मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा का आधार ही शुभ चिंतन है। शुभ चिंतक मणि ही यह सेवा कर सकते हैं। अगला सब टॉपिक है
शुभ भावना, शुभ कामना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद बाप दादा ने 40 साल जो हमारी अव्यक्त पालना की है, उस पालना का रिटर्न अभी हमें स्वयं में परिवर्तन करके दिखाना है। इसके लिए प्रभु पिता ने हमें विशेषतः 4 धारणाएं दृढ़ता से जीवन में उतारने के लिए आदेश दिया है। वे हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल। इनकी परिभाषा में बाबा ने थोड़ा परिवर्तन किया है। जैसे शुभ चिंतक अर्थात सिर्फ शुभ चिंतन करने वाला नहीं, किंतु आगे आने वाली समस्याओं को पार करने के लिए निर्बल परवश आत्माओं को रहम दिल क्षमाशील बन उनको स्नेह सहयोग देने वाला है। शुभ चिंतक की विश्व परिवर्तन के लिए बहुत जरूरत है। शुभ चिंतन, इस विषय में बाप दादा ने अभी नई दिशा देकर हमें समझाया है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के मन में सदा शक्तिशाली शुभ चिंतन चलता रहे, ताकि ब्राह्मण परिवार में शुभ वायुमंडल तैयार हो, जिसकी आज बहुत बहुत जरूरत है। इसके लिए अमृत वेला में योग के बाद हमें दिनचर्या के लिए मन का टाइम टेबल बनाना है। सारा दिन पानी, चाय आदि पीते समय विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी स्मृति में रहकर रोज एक एक स्वमान बार बार दोहराना है एवं उसका स्वरूप बनना है। इससे हम तो व्यर्थ मुक्त बनेंगे ही, किंतु हमारे वाइब्रेशन से सारी विश्व की मनुष्यात्माएं व्यर्थ मुक्त होंगी और उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि वे हमारे छोटे भाई बहने हैं, हम उनके पूर्वज हैं। शुभ वृत्ति व शुभ वायुमंडल, हमें अभी अपनी पवित्र राजधानी स्थापन करनी है। अतः तमो प्रधान अपवित्र वातावरण को बदलने के लिए हमें अपनी वृत्ति सतोप्रधान बनानी है। तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस तथा सारे संसार का दूषित वायुमंडल पवित्र होगा। सो हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी ही है कि कुछ भी हो जाए, मुझे विश्व परिवर्तन करना ही है। यह प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता करेगी। शुभ चिंतक बनने के बाद ही हम शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बेहद की सूक्ष्म सेवा कर सकते हैं। विश्व के हर एक मनुष्य आत्मा के प्रति रहम की रूहानी भावना ही शुभ भावना है, तथा शुभ कामना अर्थात सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति कल्याण की शुभ इच्छा। जैसे कि संगम युग का परमात्मा ज्ञान व परमात्मा का परिचय सबको ज्ञात हो, तथा परमात्मा प्राप्तियां भी प्राप्त हो और सुख शांति शक्ति का वर्षा सभी को मिले आदि। हमें अपना सद्योगी स्वराज्य स्थापन करना है तो अभी से राजाई के संस्कार अपने अंदर भरने हैं, ताकि भविष्य राजधानी में प्रजा के प्रति हमारे अंदर हमेशा कल्याण की भावना होगी। अतः अभी हर एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भाव व आत्मिक भाव तथा अपनेपन का भाव सदा इमर्ज रहे।
इसके साथ ड्रामा की पूरी समझ भी हमें हो कि यह ड्रामा एक खेल है, यह यथार्थ चल रहा है। इसलिए किसी को कभी दोष नहीं देना है और किसी की कमजोरी भी नहीं देखना है। परिवर्तन के लिए पहले मुझे स्वयं को बदल कर दिखाना है, तो मुझे देखकर वे ज़रूर बदलेंगे। इसलिए समय और स्वयं पर अटेंशन रख करके विश्व कल्याणकारी व हीरो पाठधारी की स्मृति में रहकर दृढ़ निश्चय के साथ ब्रह्मा बाप समान यह परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे समय प्रति समय बाप दादा ने सिखाया है। शुभ कामना शुभ भाव से हम पांच तत्वों की मनसा सेवा करके तथा सभी आत्माओं की मनसा सकाश द्वारा सेवा करके प्रकृति का तथा आत्माओं का और सारे संसार का भी परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम समय में परिवर्तन करने के लिए शुभ भाव शुभ वृत्ति आदि द्वारा मनसा सेवा करनी है। इसके लिए सारे विश्व की सभी आत्माओं के शुभ चिंतक बनना है, तो यह ईश्वरीय सेवा सफल होगी। इसकी विधि है, मेरा तो सिर्फ एक बाबा इस धारणा से मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के एक बीज से अर्थात परमात्मा से यदि बहुत बहुत प्यार है तो पत्ते पत्ते से प्यार हो जाएगा व सभी मनुष्यात्माओं से प्यार हो जाएगा और सभी के प्रति मन में शुद्ध भाव सहज ही पैदा होगा। संबंध संपर्क में आते समय एक दूसरे के साथ आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखने की समझ आजकल बाप दादा बार बार दे रहे हैं। इससे ही हमारा सर्व भाई बहनों से रूहानी प्रेम सदा रहेगा। हम सबका पिता एक परमात्मा है, यह भावना सदा जागृत रहेगी तो भी सबके प्रति मन में शुभ चिंतन सदा रहेगा। अगला टॉपिक है विशेष अवस्था, कर्मयोगी फरिश्ता कर्मातीत कर्मयोगी। सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी ज्ञान सागर शिव पिता ने कर्म की गहन गति के विषय में हमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी है। शास्त्रों में कर्म सिद्धांत का विचार इतना गहराई में जाकर नहीं किया गया है। गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि वा योगः कर्मसु कौशलम आदि वचन है, लेकिन योग्युक्त होकर कर्म कैसे करना है तथा कर्म में कुशलता क्या है, इनकी यथार्थ समझ नहीं थी। इसलिए भक्त आत्माएं श्रेष्ठ सच्चे कर्मयोगी नहीं बन सके। अतः बंधन मुक्त कर्म के बजाय बंधन युक्त कर्म करते रहे। अभी कर्म सिद्धांत के विषय में बाप दादा ने हमें सिखाया है कि सतयुग और त्रेता युग में अकर्म अर्थात बंधन मुक्त कर्म, द्वापर युग और कलयुग में विकर्म अर्थात विकार युक्त कर्म और संगम युग में सुकर्म श्रेष्ठ कर्म अर्थात पुण्य कर्म होते हैं।
बाप दादा ने हमें यह भी समझाया है कि बच्चे अभी तुम्हें 63 जन्मों के विकर्मों का खाता समाप्त कर सुकर्म करने के लिए तत्पर रहना है। भगवान की याद में आत्मिक स्थिति में तथा निस्वार्थ सेवा भाव की वृत्ति में निमित्त निर्माण भाव से किया हुआ हर कर्म अति श्रेष्ठ सुकर्म है। अतः योग और कर्म अर्थात याद और सेवा दोनों का संतुलन रखकर हर कर्म करने वाला कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी को कर्म सिद्धांत की यथार्थ समझ होती है। कर्म सिद्धांत है जैसी क्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया सामने आती है। अच्छे कर्म के अच्छे सुखदायी फल तथा बुरे कर्म के दुखदायी फल होते हैं। संगम युग में तो 100% हर कर्म की प्रतिक्रिया बढ़ती है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो 100 गुना उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कर्म योगी हरेक कर्म बड़ी सावधानी से श्रेष्ठते श्रेष्ठ व सतोप्रधान बनाने का प्रयास करता है। शिव बाबा ने कर्म करने के विषय में बहुमूल्य शिक्षा दी है कि बच्चे तुम जब बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में शांति में रहकर हर कर्म करते हो तब एक तो सुकर्म होता है, फिर वहां का वातावरण वायुमंडल शुद्ध शांत पवित्र हो जाता है। उसका लाभ वहां के रहवासियों को भी मिलता है। इससे डबल सेवा हो जाती है और पुण्य कर्म का जमा का खाता भी बढ़ जाता है। ब्रह्मा बाबा मम्मा दादी इस तरह श्रेष्ठ कर्म करके कर्म योगी बने थे। अभी बाप दादा ने हमें इशारा दिया कि डबल लाइट स्थिति द्वारा सदा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो और कर्म व सेवा करो। अभी समय इतना नजदीक आ गया है कि हमें कर्म करते करते ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। यह अवस्था अवगत होने के लिए ज्ञान बल से योग तो करना ही है, लेकिन हर कर्म में संतुष्टता लाने के लिए भी योग युक्त युक्ति युक्त राजयुक्त करना है तो कर्म योग होगा। वैसे देखा जाए तो कर्मयोगी स्थिति के साथ फरिश्ता स्थिति सहज ही बन जाती है, ताकि हर पल कोई ना कोई क्रिया व कर्म तो हमारा चलता रहता ही है। कर्म गणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर चलाने का हो व श्वास लेने का हो, क्रिया के सिवाय एक पल भी हम रह नहीं सकते हैं। और अब हमारी फरिश्ता स्थिति में हमारा रिश्ता एक बाबा के साथ सदा जुड़ा हुआ रहता है तो नेचुरली ही शिव बाबा के साथ रहकर श्रीमत के अनुसार हम कर्म करते हैं तो कर्म भी और योग भी हर सेकंड चलता रहता है। इसलिए हम सहज कर्मयोगी फरिश्ता बन जाते हैं। सब टॉपिक है कर्मयोगी बनने की विधि। हमें कर्मयोगी बनना है तो साकारी आकारी
निराकारी का अभ्यास अमृत वेला करना है। हर पल प्रभु पिता की छत्र छाया में रहकर हर कर्म करना है। दिनचर्या में हर कार्य करते समय निराकारी से साकारी में आकर अपने को निमित्त निर्माण समझकर हर कार्य करना है। भूल से अगर कोई विकर्म हो ही गया तो तुरंत बाप दादा से माफी मांगनी है। इस तरह बाप दादा को साथ रख हम हर कर्म करेंगे तो सुकर्म पुण्य कर्म होगा और हम स्वतः कर्मयोगी बनेंगे। अगला सब टॉपिक है फरिश्ता स्थिति। हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का लक्ष्य पहले से ही शिव बाबा ने हमें दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। जब बाप दादा हमें मिलने आते हैं तब एक ही ब्राह्मण आत्मा उन्हें फरिश्ता का रूप में तथा भविष्य देवता का रूप में भी दिखाई देता है। अतः हमें इसी शरीर में अभी संपूर्ण ब्राह्मण तथा संपूर्ण फरिश्ता के लक्षण महसूस होना चाहिए और अंत में स्वयं को देवता समझकर चलना है। संपूर्ण फरिश्ता बनने बिगर हम देवता बन ही नहीं सकते, इसलिए हमें संपन्न संपूर्ण फरिश्ता पहले बनना ही है। फरिश्ता की अवस्था व सेवाएं। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप की संपूर्ण स्थिति है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति अर्थात डबल लाइट व संपूर्ण हल्कापन। पुरानी दुनिया के हिसाब किताब संबंध संस्कार संकल्प तथा अपने स्वभाव संस्कार मन वचन कर्म सभी में हल्कापन सरलता। इसलिए फरिश्ते स्वयं मर्जीवा बन सबको संतुष्ट करने की सहज सेवा कर सकता है, सबका प्यारा बनता है। न्यारा और प्यारा जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादी संबंध संपर्क में सबके प्रिय फरिश्ता बने थे। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट स्वरूप, एक लाइट अर्थात हल्कापन, दूसरा लाइट अर्थात प्रकाश स्वरूप। उसके मस्तिष्क में आत्मा शक्तिशाली प्रकाश स्वरूप चमकीला हीरा जैसी दिखाई देती है। फरिश्ता सदा आत्मिक स्थिति व अव्यक्त स्थिति के आत्मिक प्रकाश के अंदर कार्य व्यवहार में हर कर्म करने वाला होता है तथा उसके नैनों में सदा रूहानियत की झलक होती है, तो नैनों से भी प्रकाश प्रस्फुटित होता है। बाबा ने समझाया है, आगे चलकर सामने आने वाले को फरिश्ता स्वरूप में प्रकाश ही दिखाई देगा। स्थूल शरीर लुप्त हो जाएगा और देखने वाला भी लाइट व हल्का हो जाएगा। उसको शक्ति प्राप्त होगी और फरिश्ता इसी स्थूल वतन में प्रकाश स्तंभ शक्ति स्तंभ का सबको अनुभव कराएगा। मैं आत्मा चमकीली ज्योति स्वरूप प्रकाश के कार्ब में हूँ, अव्यक्त हूँ। ऐसी अवस्था के प्रकाश में हर पल स्वयं को अनुभव करने से जादूगर परमात्मा फरिश्ता स्वरूप में प्रत्यक्षता करने के लिए सब
आपको उससे साक्षात्कार कराएगा। सिर्फ नजदीक वालों को ही नहीं, परंतु दूर से ही सबको चमकती हुई रोशनी का दर्शन होगा। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ने वाला उड़ता पंछी, सदा मुक्त स्वतंत्र, सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त, ऐसा कहा जाता है। फरिश्ता के बुद्धि रूपी पांव सदा धरती से ऊपर रहते हैं, धरती पर नहीं, पांच तत्वों के आकर्षण से भी परे, लौकिक अलौकिक दुनिया से निरंतर ऊपर। अब सभी दुनियावी रिश्ते नाते खत्म हुए, रिश्ता सिर्फ एक बाप दादा के साथ है, इस देह की दुनिया से कोई संबंध नहीं, सर्व से किनारा हो गया। एक शिव बाबा के लगन में मगन होकर रहने वाला होता है फरिश्ता। इस तरह जब फरिश्ता की संपूर्ण अवस्था होगी और फरिश्ता स्वरूप में हम सूक्ष्म सेवाएं करेंगे तथा विश्व में सुख शांति प्रदान करने के लिए अंतवाहक शरीर से परिक्रमा करेंगे, तब परमात्मा शक्ति द्वारा उस स्थान के लोगों को फरिश्ता का दर्शन होगा और सुख शांति की वाइब्रेशंस की अनुभूति होगी। फरिश्ते सदा उड़ती कला में रहकर विश्व कल्याणकारी स्थिति में विश्व की निरंतर सेवा करते रहेंगे। फरिश्ते सदा शुभ्र वस्त्रधारी व चमकीले प्रकाशधारी होते हैं। अब समयानुसार बाप दादा हमसे डबल स्वरूप की सेवा चाहते हैं। एक साकार रूप में स्थूल शरीर में, दूसरी अव्यक्त अर्थात आत्मिक अवस्था की फरिश्ते स्वरूप में। ब्रह्मा बाप समान हमें भी दिनचर्या में सेवा करते डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप का अनुभव सबको कराना है। फरिश्तेपन की हमें धुन लगानी है। उठते बैठते चलते फिरते मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्रता का शुभ्र प्रकाश चारों ओर प्रस्फुटित हो रहा है। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी इस तरह सुबह अमृत वेले, शाम नमश्याम योग के बाद सदा इस फरिश्ता के स्वमान में रहेंगे तो सारे विश्व में पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलती रहेगी और सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति पवित्रता की सकाश मिलती रहेगी। चारों ओर सभी जगह फरिश्ते ही फरिश्ते प्रकट हो जाएंगे। इससे आध्यात्मिक जागृति होगी, सबका ध्यान फरिश्तों की ओर जाएगा और प्रत्यक्षता के समय इससे ईश्वरीय सेवाएं होंगी। फरिश्ते सदा भक्तों को और वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। बाप दादा ने कहा है कि अभी बाप दादा अष्टरत्नों के द्वारा सूक्ष्म वतन में उनको इमर्ज करके डबल सेवा करा रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप में उनसे भक्त आत्माओं को भक्ति के संस्कार भरने के लिए और वैज्ञानिक आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए तथा शुद्ध साधन बनाने के लिए
प्रेरणा देने की सूक्ष्म सेवा करा रहे हैं। इस तरह हमारे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप द्वारा बाप दादा सूक्ष्म वतन में और भी अंतिम सेवाएं कराने वाले हैं। शिव बाबा ने समय प्रति समय हमें समझाया है कि ब्रह्मा बाप समान अभी हमें संपन्न संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना ही है। यही बाप दादा की चाहना है और समय की पुकार है। इसलिए हमें ऐसी तपस्या करनी है जिससे हम हमारे कलयुगी स्वभाव संस्कारों को ज्ञान यज्ञ में तिलांजलि देकर आत्मा के अनादि आदि संस्कार स्मृति में इमर्ज रखे तथा हम सदा आत्मिक स्थिति में व शिव पिता की स्मृति में रहे, तो हम इस पुराने शरीर में कर्म बंधन मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त सदा उड़ता पंछी बनेंगे और अंतःवाहक शरीर द्वारा सूक्ष्म सेवा तथा दूसरी भिन्न भिन्न सेवाएं करने वाले समर्थ फरिश्ता बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त फरिश्ता बन हम ब्रह्मा वत्सों को संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए सूक्ष्म वतन में हमारे लिए रुके हुए हैं। बड़े प्यार से हमें समझा रहे हैं, मीठे बच्चे अब 84 का खेल पूरा हुआ, चलो अब हमें वापस घर जाना है। इसलिए अब तीव्र गति का पुरुषार्थ करके हमें ब्रह्मा बाप समान पवित्र बनना है। अच्छा, ओम शांति। Thank you.